सात बजे से आयकर अधिकारी शिव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। सबके अलावा आयकर विभाग ने बेंगलुरु में स्थित डेगल्टन गोल्फ रिजोर्ट पर भी रेड डाली है। आपको बता दें, ये वही रिजोर्ट है जहां पर गुजरात कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं और यही विधायक है जिन्हें तोड़फोड़ की डर से कर्नाटक ले जाया गया था। तो इस छापेमारी के लिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि आयकर विभाग अमित शाह की कठपुतली है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। ये वही मंत्री है जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति 250 करोड़ बताई थी। तो कांग्रेस पर बीजेपी का ये जमकर पलटवार किया गया था। अमित शाह की कठपुतली बताया गया आयकर विभाग ने। जो संपत्ति खर्च होती है उसका सूचना मिलती है कि इसकी ब्यौरा नहीं है और हो सकता है काला धन है, तो इनकम टैक्स की अधिकार बनती है कि वो रेड करें। वो ये समझ लें कि रेड राज और तानाशाही ये कभी सच्चाई और बहुमत को नहीं झुठला पाएंगे। प्रजातंत्र की दिन दहाड़े हत्या की ये साजिश भी नाकामयाब होगी। जो आज बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया उससे यह साबित है कि एक झुंझलाई, बौखलाई और हार का सामना कर रही भाजपा अब प्रजातंत्र की दिन दहाड़े हत्या पर उतारू है। परंतु वह ये जान ले कि भाजपा ही षड्यंत्र विफल होगा और सच्चाई की जीत होगी।